बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और बवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हो। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने संगम में स्नान किया और उसके बाद माघ मेले में संतों से मुलाकात की। धीरेन्द्र शास्त्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वायुदेवानंद के शिविर भी जाएंगे। इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की आचार्य बाड़ा में स्वामी राघवाचार्य के शिविर जाने की खबरें हैं। क्यों विवादों में है धीरेन्द्र शास्त्री? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। समिति के संयोजक का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करने का दावा करते हैं और लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। इस पूरे मामले में शास्त्री के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। वहीं इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों के लिए विवादों में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं ने उनको चैलेंज तक दे डाला। इसके बाद उनके गुरु राम भद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मेरा शिष्य बहुत योग्य लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, चरित्रवान है, उसकी लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कई बार कह चुके हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार बयान नहीं दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री कई बार मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा था, नेताजी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा।